माननीय मंत्री आपके अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आपके पूछना चाहूंगा कि पिछले बार और इस बार जो योजना है विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से क्रमशः 50 लाख एवं 2 करोड़ प्रति माननीय सदस्य की कटौती की गई तथा पिछली बार माननीय सदस्यों के वेतन मद से 15% कटौती की गई, तीनों मिलाकर कुल कितनी राशि हुई और कोरोना उन्मूलन कोष में जमा हुई या नहीं, पहला पूरक। दूसरा, एक साथ बोल देते हैं सर पूरक, क्या मंत्री जी बताएंगे कि पिछली बार जो राशि 50 लाख और 15% की कटौती की गई उसकी कुल राशि कितनी हुई और कहां कहां किस विभाग द्वारा खर्च की गई और उसमें से कितनी राशि वेंटिलेटर क्रय एवं ऑक्सीजन प्लांट पर खर्च की गई। तीसरा, क्या मंत्री जी बताएंगे यदि काटी गई राशि 100 समय खर्च कर दी जाती तो सेकेंड फेज में इतने लोग की मौत नहीं होती। ये तीनों पूरक का जवाब चाहिए सर। माननीय मंत्री, लगता है कि माननीय सदस्य तो उत्तर पढ़े नहीं, ऑनलाइन की सिस्टम कोई क्वेश्चन करने में बड़े तेज हैं। क्वेश्चन करने में बुद्धिमान है लेकिन पढ़ने में बुद्धिमान नहीं है, यही मुझको लग रहा है। चलिए, शुरू में कहा कि मैंने नहीं पढ़ा, ये ठीक है, भागलपुर का पानी का असर है। महोदय, मैं पढ़ देता हूं उत्तर को। खंड 2 में वस्तु स्थिति यह है, COVID-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व से गठित बजट शीर्ष एवं उप शीर्ष के प्राकृत राशि में से सरकार के संकल्प संख्या 1281 दिनांक 27/3/2020 के अनुसार वर्ष 2021 में 50 लाख रुपए प्रति माननीय सदस्य बिहार विधानसभा की अनुमान राशि में से कटौती की गई। तदनुसार 2021 में कुल 182.14 करोड़ रुपए कोरोना उन्मूलन कोष स्वास्थ्य विभाग को संबंधित HDFC बैंक खाता संख्या 5501003184857650 एवं SC HDFC COVID-679 में अंतरित की गई। इसी प्रकार वर्ष 21-22 में कुल 620 करोड़ रुपये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार को पीएल खाता संख्या PHSPCL ADL बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।